सत्यमित पीबी पर हर दिन करिए भदोही जिले की खबरों से मुलाकात। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा व उनके कुनबे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को भी विजय मिश्रा के करीबियों पर कार्रवाई जारी रही। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के 3 शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत व गोपीगंज कोतवाली पुलिस के पैरवी के बाद डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर मनीष मिश्रा के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। गोपीगंज पुलिस के मुताबिक मनीष मिश्रा पर गैंगस्टर सहित कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। मनीष मिश्रा अभी जेल में हैं। शनिवार को भदोही जनपद पुलिस ने ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की है। शरारती तत्वों ने आधी रात के बाद 2 बोगियों को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक दोनों बोगियां जलकर राख हो गई। यह मामला है सूर्यामा थाना इलाके के असईपुर गांव का। असईपुर निवासी राम अक्षयधन मौर्या घर से 500 मीटर दूर असईपुर गांव में ही बोगी रखकर स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। वहीं शीतला प्रसाद मौर्या की चाय पान नाश्ते की दुकान थी। दोनों बोगियां अगल बगल थी। आशंका जताई जा रही है कि रात के अंधेरे में किसी शरारती तत्व ने दोनों बोगियों में आग लगा दी। साथ ही बोगी के समीप रखा किसान जटाशंकर मौर्या का धान का बोझ भी जलकर खाक हो गया। हालांकि इस बीच आसपास के लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बोगी व धान जलकर खाक हो गई। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। नेशनल हाईवे गोपीगंज इलाके के जंगीगंज के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने ट्रक चालक को टक्कर मार दी। हादसे में जहां ट्रक चालक की मौत हो गई, वहीं बाइक सवार घायल हुआ है। बताया जाता है कि रायबरेली के शिवगढ़ उदई खेड़ा निवासी सुरेश यादव ट्रक लेकर जंगीगंज बाजार के समीप खड़ा था। खाना खाने के बाद जैसे ही सड़क की तरफ मुड़ा, तभी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बाइक ने ट्रक चालक सुरेश यादव को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को पुलिस सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं टक्कर मारने वाला बाइक चालक प्रशांत कुमार पांडे भी घायल हो गया था। पुलिस ने चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। उधर रायबरेली से ट्रक चालक के परिजन भी पहुंच गए थे। ज्ञानपुर में एक ट्रक अवैध धान बरामद हुआ है। यह कार्रवाई डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर एसडीएम ज्ञानपुर अश्वनी कुमार पांडे ने की है। ज्ञानपुर के वेदपुर कंसापुर के समीप ट्रक पर लदे धान को बरामद किया गया है। इस संबंध में डीएम गौरांग राठी ने बताया कि ट्रक पर मौजूद व्यापारी अशोक कुमार द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया और न ही संतोषजनक उत्तर दिया गया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई करते हुए ट्रक को सीज कर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। अवैध रूप से ट्रक पर लाद कर ले जा रहे धान के मामले में 78,320 रुपया जुर्माना लगाया गया है। डीएम ने बताया कि अनाजों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अबूझाल में पशु पालक के मढ़े में आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में कुल आधा दर्जन पशु झुलस गए। हादसे में जहां पशुओं को बचाने के चक्कर में पशु पालक झुलस गया है, वहीं एक भैंस की मौत हो गई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के सुमेरी पट्टी अमवा माफी गांव का है। बताया जाता है कि पशु पालक उमाशंकर यादव का पूरा परिवार भोजन के बाद गहरी नींद में सो रहा था। इसी दौरान अचानक मवेशी खाने के मढ़े में आग लग गई। आग कैसे लगी, यह एक पहेली बनी हुई है। मढ़े में 3 पड़िया, 2 बछिया व 1 भैंस मौजूद थी। झुलसने से भैंस की जहां मौत हो गई, वहीं पड़िया व बछिया झुलस गई हैं। पशुओं को बचाने के चक्कर में पशुपालक उमाशंकर यादव गंभीर रूप से झुलस गए हैं। चीख पुकार सुन आस पड़ोस के लोग पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तब तक मढ़ा जलकर खाक हो गया था। साथ ही मढ़े के समीप मौजूद 2 आम का पेड़ भी जल गया है। जांच के लिए हलका लेखपाल रेशमा श्रीवास्तव पहुंची थी।
एक सड़क हादसे में बिहार का सिपाही घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल बिहार पुलिस जवान को उपचार के लिए सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि बिहार के आरा कोइलरा दौलतपुर निवासी 36 वर्षीय उदित सिंह बिहार पुलिस में तैनात है। उनका भांजा विकास सिंह ज्ञानपुर में यूपी डायल 112 पुलिस में तैनात है। भांजे से मिलने उदित सिंह भदोही आए हुए थे। शनिवार की शाम बाइक से जंगीगंज किसी काम से गए हुए थे। लौटते समय गोपीगंज इलाके के कुसुंदेवपुर पेट्रोल पंप के समीप एक बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बिहार के सिपाही उदित सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। समीप के रवि मौर्या नामक ग्रामीण ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। एक ऑटो में लादकर घायल उदित को सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उदित सिंह को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। भदोही शहर से सटे सर्रोही के सर्रोश्वर महादेव मंदिर पर बिरहा मुकाबले का आयोजन किया गया था। इस बिरहा मुकाबले में जौनपुर से बिरहा गायक कलाकार महेंद्र बच्चन व वाराणसी से नीतू राज पहुंची थी। बिरहा मुकाबले का उद्घाटन सर्रोही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार उर्फ बड्डा सहित कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी ने फीता काट कर किया है। बिरहा गायक महेंद्र बच्चन व नीतू राज के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। रात भर लोग बिरहा मुकाबले को देखने के लिए डटे रहे। कलाकारों ने भगवान की वंदना से बिरहा मुकाबले की शुरुआत की। उसके बाद अपनी अपनी बारी आने पर तमाम गीत गाकर खूब तालियां बटोरी। पूरी रात बिरहा मुकाबला चलता रहा। इस मौके पर रामनाथ गुप्ता, बऊ यादव, ब्रजेश सरोज आदि लोग मौजूद रहे। जमीनी विवाद में जमकर पथराव हुआ है। पथराव में आरती देवी नामक महिला घायल हुई है। मामला सूर्यावा थाना इलाके के कुसौड़ा मलेपुर गांव का है। बताया जाता है कि लगभग 4 साल से राजेंद्र प्रसाद व आरती देवी के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद चला आ रहा है। शनिवार की शाम किसी बात को लेकर एक पक्ष ने आरती देवी के मकान पर पथराव करना शुरू कर दिया। आरती देवी का कहना है कि उनके पति दिल्ली में रहते हैं। 15 मिनट हुए पथराव से आरती देवी चोटिल हुई हैं। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। पथराव से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। शनिवार को ज्ञानपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र, पुलिस उप महानिरीक्षक आरपी सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की मौजूदगी में फरियादियों ने अपनी फरियाद रखी। कुछ का मौके पर जहां निस्तारण हुआ तो वहीं कुछ का निस्तारण का निर्देश दिया गया। पकरी खुर्द के प्राथमिक विद्यालय पर अवैध अतिक्रमण पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई है और फौरन विद्यालय की जमीन को कब्जा मुक्त कराने का निर्देश दिया है। इसी तरह डीग विकास खंड के खैदोपुर से पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क क्षतिग्रस्त की शिकायत की है। इसी तरह तालाबों पर हुए अवैध अतिक्रमण पर मंडलायुक्त व पुलिस उप महानिरीक्षक ने कड़ी नाराजगी जताई है। तालाबों पर हुए अवैध अतिक्रमण पर फौरन कार्रवाई किए जाने का अधिकारियों ने निर्देश दिया है। बेहतर काम करने वाले लेखपालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। सत्यम न्यूज की खबर पर आखिरकार औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा की नींद टूट गई। खबर चलने के बाद बीड़ा के अधिकारी अपने ही नाक के नीचे मौजूद गंदगी को अब साफ सफाई कराने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि भदोही शहर के रसपुरा स्थित बीड़ा कार्यालय के नाक के नीचे रिंग मार्केट सहित आसपास भीषण गंदगी फैली हुई थी। बदबूदार व गंदे पानी की भी सप्लाई हो रही थी। इलाके वासियों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। खबर के बाद शनिवार को बीड़ा परिसर में साफ सफाई कराने के साथ साथ दूषित पेयजलापूर्ति जैसी समस्याओं को ठीक कराने में बीड़ा के जिम्मेदार डटे रहे। शनिवार को ज्ञानपुर स्थित उप निबंधक कार्यालय पर दस्तावेज नवीस संघ की एक बैठक अध्यक्ष चुनने को लेकर हुई थी। बैठक से पहले पुराने अध्यक्ष को जिम्मेदारी से मुक्त किया गया और संगठन को भंग करते हुए सर्वसम्मत से नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। बैठक के मुख्य अतिथि सब रजिस्ट्रार व संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामधनी रहे।
बैठक में सभी दस्तावेज लेखकों ने सर्वसम्मत से राजेंद्र प्रसाद मिश्र को लेखक संघ का अध्यक्ष चुना। चुने गए नव नियुक्त अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्र का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर नव नियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि दस्तावेज लेखकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं उनकी मांगों की पूर्ति के लिए अंतिम दम तक संघर्ष किया जाएगा। इस मौके पर अष्टभुजा सिंह यादव, ओम प्रकाश तिवारी, लक्ष्मीकांत शुक्ला, संतोष कुमार पाठक, एडवोकेट दशरथ सिंह यादव आदि मौजूद रहे। अग्रहरी समाज ने गोपीगढ़ नगर के बाबा बड़ेश्वर धाम से कैंडल मार्च निकालकर दिल्ली में श्रद्धा व लखनऊ की निधि अग्रहरी हत्याकांड पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। बाबा बड़ेश्वर धाम पर देर शाम इकट्ठा हुए अग्रहरी समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन धारण कर आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर शिव अग्रहरी, संतोष अग्रहरी, पिंटू अग्रहरी, पवन सेठ आदि मौजूद रहे। मामूली सी बात पर दबंगों ने दिव्यांग महिला की लाठी डंडे व लात घूसों से पिटाई कर दी है। मामला सूर्यामा थाना इलाके के तेज सिंहपुर गांव का है। मोहन बिंद ने सूर्यामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसकी पत्नी दिव्यांग है। पड़ोस के ही कुछ लोगों ने मामूली बात पर दिव्यांग पत्नी की पिटाई कर दी। मोहन सिंह ने बताया कि पिटाई से दिव्यांग महिला घायल हो गई है। शिकायती पत्र देते हुए सूर्यामा पुलिस से मोहन बिंद ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। खतौनी सत्यापन के लिए भदोही जिले के किसान तहसीलों का चक्कर लगा रहे हैं। एक ओर जहां भदोही जनपद के डीएम गौरांग राठी किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर हैं, तो वहीं दूसरी ओर तहसील के अफसरों की लापरवाही से किसानों के खतौनी का सत्यापन समय से नहीं हो पा रहा है। इलाकाई लेखपाल खतौनी सत्यापन में हीला हवाली कर रहे हैं, जिससे भदोही जिले के किसान बेहद परेशान है। सूर्यामा दुर्गागंज कुसौड़ा गाँव के किसानों का कहना है कि सत्यापन के लिए हल्का लेखपाल तहसील का चक्कर लगवा रहे हैं। साइकिल के आगे अचानक बाइक आ जाने से साइकिल सवार गिरकर चोटिल हो गया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के आनंद डी गांव के समीप का है। बताया जाता है कि इलाके के श्रीपुर निवासी 60 वर्षीय जयनाथ गौतम साइकिल से दुर्गागंज बाजार गए हुए थे। बाजार से घर लौटते समय आनंद डी गाँव के समीप साइकिल के सामने अचानक बाइक आ गई, जिससे जयनाथ गौतम साइकिल लेकर गिर पड़े और चोटिल हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी। पीआरबी 2306 मौके पर पहुंची थी, जहां पीआरबी के चालक अवधेश व हेड कांस्टेबल मोहन राम ने घायल साइकिल सवार को सीएससी भानीपुर पहुंचाया था। साथ ही घायल जयनाथ गौतम के परिजनों को सूचना दी। घायल का इलाज सीएससी भानीपुर में कराया गया। ग्राम प्रधान की लापरवाही से गांव में लगा हैंडपंप बंद पड़ा है और प्यास बुझाने के लिए ग्रामीण दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। ऐसी ही एक शिकायत सूर्यामा इलाके के कड़ोर निवासी धर्मेंद्र कुमार ने खंड विकास अधिकारी सूर्यामा से की है। शिकायती पत्र में धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बस्ती में लगा हैंडपंप रिबोर के अभाव में बंद पड़ा है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन हैंडपंप ठीक नहीं कराया गया। शिकायती पत्र देते हुए धर्मेंद्र कुमार ने हैंडपंप का रिबोर कराए जाने की मांग की है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर ज्ञानपुर शहीद पार्क पहुंचे जय बाबा बर्फानी ग्रुप के युवाओं ने पार्क में मौजूद प्रतिमाओं की साफ सफाई करते हुए श्रमदान किया। उसके बाद वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान पर चर्चा की और उन्हें नमन किया। इस मौके पर अनिल मौर्य, राकेश देववंशी, संदीप माली, विजय देववंशी आदि मौजूद रहे। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पहुंचे संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित विभिन्न मांगों को लेकर डीएम को एक पत्र सौंपा है। कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे थे। आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया था, लेकिन आज तक कुछ मांगें पूरी नहीं की गई। किसानों की बची मांगों को पूरा किए जाने की किसान नेताओं ने पत्र सौंपते हुए मांग की। कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की बर्बाद होने वाली फसलों पर प्रभावी फसल बीमा योजना लागू किया जाए, साथ ही छोटे किसानों को पेंशन दिए जाने की किसान नेताओं ने मांग की है। इस मौके पर शालिग्राम यादव, राम बाबू बिंद, अशोक यादव, राजेंद्र पाल आदि मौजूद रहे।
काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग द्वारा उद्यमिता मेले का आयोजन किया गया था। महात्मा गांधी ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा उद्यमिता माह के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे व प्रोफेसर भारतेंदु ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया था। कार्यक्रम में बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्राओं ने खान पान व हस्त निर्मित कृतियां स्टॉल व प्रदर्शनी लगाई थी। प्रदर्शनी में विद्यालय के सभी विभाग के प्रभारी अध्यापक कर्मचारी सहित छात्राएं मौजूद रहीं। भदोही जिले के महान क्रांतिकारी शहीद झूरी सिंह की स्मृति में शनिवार को गोपीगंज के एक स्कूल में शहीद झूरी सिंह मेमोरियल राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के मुख्य अतिथि डीएम गौरांग राठी रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ डीएम गौरांग राठी ने हवा में गुब्बारा उड़ाकर किया था, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में भदोही सहित अलग अलग जनपदों से कुल 13 टीमों ने भाग लिया था। इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में वाराणसी को हराकर गाजीपुर ने बाजी मारी। प्रतियोगिता का समापन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने किया। इस मौके पर दिव्या वर्मा, रामेश्वर सिंह, प्रताप नारायण तिवारी आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के कृषि विभाग द्वारा भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा सररोही में किसान गोष्ठी व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि उप कृषि निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह रहे। साथ ही किसानों को कृषि विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर गोविंद चौधरी व तकनीकी सहायक शिवाकांत ने विभिन्न फसलों की उत्तम खेती के जहां तरीके बताए, वहीं कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही किसान गोष्ठी में किसानों से पराली न जलाए जाने की अपील की गई। कहा कि गाय का गोबर खेती में लाभकारी होता है। कहा कि भदोही जिले में किसानों को खाद बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे उर्फ बड्डा, राम नरेश मौर्य, विनोद तहसीलदार सरोज आदि लोग मौजूद रहे। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत शनिवार को भदोही जनपद पुलिस कुल अलग अलग स्थानों से शांति भंग वारंटी जैसे मामलों में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर, भदोही, सूर्यामा, गोपीगंज, चौरी, औराई, ऊंच पुलिस ने कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 वारंटी, 11 लोगों को शांति भंग की आशंका में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार यादव, भदोही कोतवाली से उप निरीक्षक आलोक कुमार सिंह, सूर्यामा से उप निरीक्षक महेंद्र कुमार, गोपीगंज से उप निरीक्षक अमर सिंह चौहान, चौरी थाने से उप निरीक्षक नित्यानंद राय, औराई से उप निरीक्षक रामधनी यादव व थाना ऊस से उप निरीक्षक लल्लू राम पाल ने अपने अपने इलाकों से वारंटी सहित 151 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले, वार्ड, कस्बों, चट्टी चौराहों की खबरें आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको कहीं भी दिखे भदोही जिले में कोई भी खबर, घटना, दुर्घटना या फिर हो कोई समस्या, आप हमें फोन करिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। दिन हो या रात, कभी भी फोन करिए, हम आपके फोन का इंतजार करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।